अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ VLCC नेचुरल साइंस एंटी टैन फेशियल किट। मैं इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बट मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसका डेमो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो मैंने आज इसका डेमो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो ये बहुत ही अच्छी VLCC एंटी टैन फेशियल किट है, क्योंकि सन टैन की प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे फेस पर। समर प्रॉब्लम का ये एक इकलौता सोल्यूशन है। सो ये काफ़ी अच्छी फेशियल किट है। आई थिंक मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सभी के लिए, क्योंकि ऑल स्किन टाइप है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं फ्रेंड्स, वो सारे ही नेचुरल हैं, तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा आपकी स्किन पे। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो इसीलिए आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ। एंड क्योंकि फेशियल के लिए मुझे बहुत बार मैसेज आए हैं कि मैम कोई अच्छा फेशियल बताइए सन टैन की प्रॉब्लम से बचने के लिए, सो ये मैं आप लोग को बता रही हूँ VLCC का एंटी टैन फेशियल के लिए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। और इसका पर्सनली आप लोग को रिव्यू चाहिए है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी डेमो मैं इसका आज आप इस वीडियो में दिखा दे रही हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हेलो फ्रेंड्स, इसे शेरीज खान एंड मैं लेके आती हूँ आप लोग के लिए हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में है बेल आइकन, सो उसको ज़रूर हिट करें ताकि मेरी वीडियो का कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट गेट स्टार्ट। मैं फेशियल करूँगी रिवर्सिबल पीलिंग सेट से एंड VLCC 10 फेशियल किट को लेकर, बिकॉज ये जो मशीन है वो फेशियल मशीन है और इससे काफ़ी अच्छा फेशियल मेरा होता है। मुझे पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पार्लर से भी ज़्यादा बेटर फेशियल मुझे घर पर मिलता है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्लिंजर कम टोनर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है फेशियल का, और इसे मैं इस रिवर्सिबल पीलिंग सेट की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, इस मशीन की हेल्प से। और इससे मेरा फेशियल काफ़ी अच्छा आता है, और जितनी भी डर्ट स्किन होती है, जितनी भी डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो भी सन टैन की प्रॉब्लम होती है, वो इससे रिमूव हो जाती है। और इसे धीरे धीरे अपने फेस पर आपको अप्लाई करना है, धीरे धीरे मसाज करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं लगाना है अपने फेस पर, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप अपने हैंड से भी अपने फेस पर मसाज कर सकते हो धीरे धीरे, और हैंड से करने में आपको 10-15 मिनट हर किसी स्टेप में लेना पड़ेगा, बट मशीन से मुझे 3-4 मिनट में ही मेरा जो मसाज है वो अच्छे से हो जाता है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हुआ, और मेरा जो सेकंड स्टेप है वो है ओट मील स्क्रब। जो ये स्क्रब है वो ओट मील से बना हुआ है, एंड ओट मील हमारी फेस स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो मैं थोड़ी क्वान्टिटी में इसको भी ले रही हूँ और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। और सेकेंड स्टेप लिया है मैंने ये स्क्रब का, और जो इसमें ये टूल्स लगाया है वो स्क्रब का टूल्स है, एंड इसमें छोटे छोटे से बॉल्स हैं जो आपके फेस के सर्कुलर मोशन में आपके फेशियल को कंप्लीट करेंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, एंड इस मशीन की हेल्प से मेरा स्क्रब काफ़ी अच्छा हो जाता है, और जितने भी मेरे ओपन पोर्स में इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो सारी बाहर हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सो इस मशीन की हेल्प से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है फेशियल करने में। एंड आप अपने नेक पर भी हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर लीजिएगा, मशीन है तो मशीन से कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने 2 स्टेप किए हैं, और एक स्पंज की हेल्प से मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इसको रिमूव किया। पहले स्पंज को पानी में डब कर लिया था, उसको अच्छे से निचोड़ लिया था, उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस पर उसे रिमूव किया है, जितना भी मेरा फेशियल जो भी लगा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ 3रा स्टेप, ये है मेला वाइट जेल। ये 3रा स्टेप है, और जेल जो होता है ना वो हमारे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है, ग्लो देता है हमारे फेस को, और हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्टर बनाता है। सो इसका इंडिविजुअली रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ मैं सिर्फ आप लोग को डेमो दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से फेशियल किया है घर पर, और मुझे इससे कितना इंस्टेंटली फेयरनेस और इंस्टेंटली ग्लो मिला है, और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। सो ये वाला जो ब्रश है, इसे आप अपनी आईज पर भी कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट ब्रश होता है ये, तो इसे आप अपनी आईज पर भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है ना वो इसे रिमूव हो जाएगी, बट बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 4था स्टेप, वो है
पिस्ता मसाज क्रीम जो कि पिस्ताशियों से बनी हुई है। सो ये काफ़ी अच्छी मसाज क्रीम है। इसे आपको नेट 15 मिनट करना ही करना है, चाहे आप हैंड से करिए और चाहे आप मशीन से करिए। सो इसको आपको 15 मिनट देना है अपने पूरे फेस पे, अच्छी क्वांटिटी में इसको ले लेना है क्योंकि ये मेन फेशियल क्रीम है। इसी से आपके फेस पे फेयरनेस एंड ग्लो आएगा। सो इसको आपको करना है 15 मिनट के लिए और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड मेरा जो फिफ्थ स्टेप है वो है पैक, और मतलब मेरा पूरा फेशियल कंप्लीट हुआ है और अब मैं पैक लगा रही हूँ अपने फेस पर। और पैक लगाकर आपको तब तक के लिए छोड़ देना है अपने फेस पर जब तक कि वो एकदम सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक के लिए आपको रिमूव नहीं करना है अपने फेस पर। और पूरे फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिएगा, कहीं कोई पार्ट रह ना जाए ध्यान से। मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने फेस पर रखूँगी, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो फेस है वो ड्राई हो चुका है, 5 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। और मैं इस स्पंज की हेल्प से अपना पूरा पैक क्लियर करूँगी और आप मेरे फेस की रंगत, मेरे फेस का ग्लो देख सकते हो। मेरे फेस पे एक पिंकी सा ग्लो आ रहा है, पिंकी सा कलर आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा लगता है फेस पे देखने पे। फेस एकदम क्लियर हो चुका है। एंड लास्ट स्टेप है 6, वो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग जेल है, समर सीज़न का टाइम है तो विदाउट ऑयल है, ये ऑयल फ्री है। सो ये सभी के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसे लगाने के बाद ये फेस पे तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, ये नहीं कि हमारा फेस ऑयल ऑयल जैसा दिखे। सो ये काफ़ी अच्छा जेल है और आपको अपने पूरे फेस पे टैप टैप करके इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।